Press the subscribe button and hit the bell icon for more Bollywood updates. अक्षय कुमार की फिल्म गोल्ड, जिसके अंदर अक्षय कुमार तपन दास का किरदार निभा रहे हैं, जो कि एक हॉकी मैनेजर का किरदार है। दोस्तों, ये फिल्म काफ़ी ज़्यादा लाजवाब है और लोगों को ये काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आई है। अब तक हमने बात की थी 6 दिन के कलेक्शन की। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 7वें दिन के कलेक्शन के प्रेडिक्शन के बारे में। दोस्तों, ये काफ़ी लाजवाब फिल्म इसलिए भी है क्योंकि इस बार अक्षय के साथ पूरी टीम सामने आई थी और सभी ने बहुत ही बेहतरीन एक्टिंग करके सभी का दिल जीत लिया। इसका क्लाइमैक्स आप लोगों के रोंगटे खड़े कर देगा और आपको काफ़ी ज़्यादा प्राउड भी फील कराएगा। दोस्तों, इसने अपने पहले दिन कम से कम 25.25 करोड़ की कमाई की और ये काफ़ी ज़्यादा लाजवाब था। और उसके बाद धीरे धीरे इसने अपना 75 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया। दोस्तों, आपको बता दें, कई मुसीबतें भी इसको देखने को मिली क्योंकि देश की जनता अटल बिहारी वाजपेयी जी के देहांत की वजह से शोक में है और इसी वजह से फिल्मों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। दोस्तों, आपको बता दें कि गोल्ड के कल 7वें दिन यानी कि ट्यूसडे पर रिपोर्ट्स के मुताबिक कम से कम 7 करोड़ तक की कमाई कर लेगी क्योंकि ये भी एक वर्किंग डे है और उसके अलावा ये जल्द ही अपना 150 करोड़ का आंकड़ा पार कर लेगी क्योंकि इसके आगे कोई भी फिल्म नहीं है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि अब 7 दिन होने के बाद में कैसा कमाई कर पाएगी गोल्ड? क्या ये अपने 100 करोड़ के आंकड़े को पार कर पाएगी या फिर नहीं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। सब्सक्राइब करिए बॉलीवुड जंक्शन को ताकि आपको मेरे बॉलीवुड की खबर सबसे पहले।